नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त उदयपुर में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ बातें कश्मीर की हो रही है, उस डर की हो रही है जो कहीं ना कहीं पेबस करने की कोशिश हो रही है आतंकवादियों द्वारा। किनमें? वो तमाम लोगों में जो ये चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर चले, जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ा जाए। ये लोग कौन है और क्यों कर रहे हैं ऐसा? टारगेटेड किलिंग हम पिछले अगर कुछ महीनों में देखे तो एक के बाद एक, कभी आप ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले को निशाना बनाते हैं, कभी आप आर्मी के सैनिकों को निशाना बनाते हैं, कभी आप उन तमाम लोगों को निशाना बनाते हैं जो वतन से मोहब्बत करते हैं, उनको न जाने किस किस तरह के नाम आप पुकारते हैं, आप निशाना उन मासूम बच्चों को बनाते हैं, आप निशाना अब आज की तारीख में औरतों को बना रहे हैं, उन कलाकारों को बना रहे हैं। अमरीन उनमें से एक थी जिसने उन सारी चीजों को ताक पर रखा, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो दकियानुसी सोच हो। वो टीवी कलाकार थी, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। आपने उसकी हत्या कर दी और साथ में उसके मासूम भतीजे तक को नहीं बख्शा, उसको भी गोलियों से भूनने की कोशिश की। आज हुंकार इस पर जरूरी है भरना, क्योंकि क्या हो रहा है कश्मीर में और ये आतंकवादी किस रास्ते ले जाना चाह रहे हैं कश्मीर को, अफगानिस्तान के, जहां पर महिलाओं को बुरके में बंद कर दिया है, कैद कर दिया है। आज भरे इस पर हुंकार। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कश्मीर में इस वक्त हो क्या रहा है। और जिंदगी हमारी तो मौत के बाद है, हम इस जिंदगी से कहां मोहब्बत करते हैं। कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। टीवी एक्ट्रेस को गोलियों से किया छल्ली। दिल तोड़ने वालों से भी मोहब्बत रखते हैं हम, मुसलमान हैं जनाब, तकलीफों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा सरासर जुल्म है, हम पर बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। बेवजह उस पर गोलियां बरसाई, फर्स्ट टाइम आया वो गोली बरसाया, क्या किया था उस मासूम ने? उसकी उम्र क्या थी? 30 साल की है वो, क्या उम्र थी, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? मासूम पर भी आतंकियों का निशाना। मेरी है, ये भी मेरी है। टीवी एक्ट्रेस की टारगेट किलिंग क्यों? आतंकवादियों का ये जघन्य अपराध ने एक बार फिर पाकिस्तान को और आतंकवादियों के काले कारनामे उजागर किए हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है, ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, इंसानियत के, मानवता के बड़े दुश्मन है, इनका सफाया करना बहुत जरूरी है। कश्मीर में एक टीवी कलाकार से क्यों डरे आतंकी? इस प्रकार की घटनाएं लगातार कायरता का परिचय दे रही है। महिलाओं पर वार करना अपने आप में बड़ा शर्मनाक बात है। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, शांति काफी देर से वापस लौट रही है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि एक डर खौफ का माहौल पैदा होता है। इस प्रकार के जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना पड़ेगा, जो आज भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में तालिबानी आतंक का इलाज कब? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं मैं। हमारे साथ एसपी वैद साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके हैं। हमारे साथ याना मीर, कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सलमान निजामी साहब जुड़ चुके हैं, कश्मीर से वास्ता रखते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। अहमद अयाज साहब भी कश्मीर से वास्ता रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और सुशील पंडित साहब, जिनका नाता है कश्मीर से, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याना मीर, शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ, और ये जानते हुए और समझते हुए कि इस वक्त जो हो रहा है ये उस ट्रैक पर ले जाने की कोशिश है
कि आप बरसों पीछे चले जाए। महिलाओं को टारगेट करने का मतलब, और खासकर उन महिलाओं को टारगेट करने का मतलब जो आज की तारीख में मॉडर्न कही जाती है, जो आज की तारीख में उनके खाचों में फिट नहीं बैठती है, ये बताता है कि माहौल किसी और तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, माहौल किसी और तरफ जा रहा है रूबिका। और मैंने पिछली बार भी आपकी डिबेट में यही बोला था कि हमसे सिक्योरिटी के वादे किए थे जो पूरे नहीं किए गए। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा फोकस होता है कि पार से टेररिस्ट आए हैं, पार से टेररिस्ट आए, लेकिन इस तरह का जो टेररिज्म कर रहे हैं वो यहाँ के लोकल्स ही कर रहे हैं, और उन पे नज़र क्यों नहीं रखी जा रही, मुझे बताइए। मैं क्यों इस दावे के साथ कह रही हूँ कि अमरीन के साथ जो हुआ वो लोकल्स ने किया? पहली बात तो हमें सुनने में आया है कि गिलानी फोर्स, TRF और कोई जांबाज फोर्स, इन्होंने क्लेम किया है कि ये हमने किया है। दूसरा, इन्होंने इनके जो फादर थे, जो अमरीन के फादर हैं, उन्होंने कहा कि किसी ने मेरी बेटी को कभी कोई वार्निंग क्यों नहीं दी, वो बाज आ जाती। और ये बात भी सच है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी, यंग लड़कियाँ, जिन्होंने फॉर एग्जांपल जो मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं उनको देख के बहुत सारी इंस्पायर होकर अपने यूट्यूब चैनल्स चलाने लगी थी, कोई मेकअप, कोई क्विजीन, कोई टिकटॉक वीडियोस, इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे लाने लगी थी, अपना हुनर, अपना टैलेंट लाने लगी थी कैमरा के सामने। मगर इनको बार बार वार्निंग्स दी जाती थी। और ये जो ये जिनके मैंने नाम लिए, ये लोकल टेररिस्ट, इन्होंने बहुत सारे ऐसी फ्लायर्स रिलीज़ करके जगह जगह चप्पे चप्पे पे चिपकाया था वॉल्स पे कि अगर हमारी कश्मीरी लड़कियां इन सब चीज़ों में गई तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होती रही तो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं और क्यों चुपचाप बैठी हैं, मुझे आप बताइए। याना, मैं समझना चाह रही हूँ ये लोग कौन हैं और ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। और क्या मैं जो ये सोच रही हूँ कि ये अफगानिस्तान बनाने की राह पर, मतलब औरतें कुछ नहीं करेंगी? औरतें छोड़ दीजिए, ये मतलब किसी की भी कोई भी मर्जी नहीं सकते। 1990 के दशक में ले जाने की कोशिश है, मैं वही कह रही हूँ। और जिन फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ब्लेम करती हैं, मैं आपको बता दूं उनके पाकिस्तान में तो रोज पार्टी होती है, आप देखिए वहाँ की लड़कियां, वहाँ की मॉडल्स क्या क्या करती हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल कि वहाँ से कोई आके यहाँ पे मॉडल्स को मारेगा या यहाँ पे टीवी आर्टिस्ट या यूट्यूबर्स को मारेगा, ये यही किस यही हो रहा है। और ये शायद ये वो लोग होंगे जो किसी टाइम पे इनके रिश्ते होंगे आसिया अंद्राबी जैसे लोगों के साथ। फाइन, आसिया अंद्राबी इज इन जेल, लेकिन उसका नेक्सस अभी तक यहाँ पे चल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की थी। पहले भी एक कुछ महीने पहले भी एक ऐसी वीडियो आई थी जहाँ पे एक लड़की बोल रही थी कि आज से कश्मीर की कोई भी लड़की बिना अबाया के नहीं दिखेगी। मैं हिजाब की बात नहीं कर रही हूँ, अबाया की, वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। ऐसी वीडियोस यहाँ पे वायरल होती है। हाँ, क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ करती नहीं? एसिड अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज चुप हैं? ओके, आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पर एकदम पुख्ता तौर पर अब एक्टिव हो जाना चाहिए, और खासकर ये जो मॉरल पुलिसिंग का झंडा लेकर आगे बढ़े हैं उनके लिए। SP वैद साहब, मैं इस चीज़ को क्या समझूं? मैं अभी जो एक लिस्ट देख रही थी कि किस किस तरह की किलिंग रिसेंटली हुई है। 17 मई 2022 को एक रंजीत सिंह नाम के शख्स की हत्या कर दी जाती है, ग्रेनेड जो है वो फेंका जाता है न्यूली ओपन वाइन शॉप। मतलब ये क्या चाहते हैं, ये लोग कौन हैं और इनको रोका क्यों नहीं जा रहा है? ये चाहते हैं कि यहां पर किसी तरह की ऐसी कोई चीज ना हो जो इनको अफगानिस्तान से थोड़ा अलग दिखाए। देखिए, ये बिल्कुल वही कोशिश है, हार्डकोर इस्लामिक टेररिस्ट, ये अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। लड़कियों को दबाया जाए, वाइन की दुकान को टारगेट किया जाए। आपने देखा हाल ही में बारामूला वाइन शॉप पर अटैक हुआ, इस अमरीन पर बेचारी पर फायर किया। ये मुझे याद आता है 1990 में एक मुस्लिम जानबाज फोर्स नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका यही मॉरल पुलिसिंग काम होता था, और हमें याद है उसको किस तरह से हमने ट्रैक डाउन किया और उसको एलिमिनेट कम्प्लीटली, उनका जितना भी कार्डर था वो। लेकिन उन्होंने उस टाइम बड़ी दहशत 1990 में करके रखी थी, और वो जितनी वाइन शॉप थी बंद कराए, थिएटर्स बंद कराए, औरतों को ये किया बुरका पहनी। लेकिन कश्मीर की औरतें ना उन्होंने तब माना और ना आज मानेंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग।
और बहुत प्रोग्रेसिव बच्चियां हैं और कश्मीर में वो सुनने वो कश्मीर में आई एम सॉरी सर मैं आपको काट रही हूँ लेकिन ये बात आप गलत कह रही हैं। यहाँ की औरतें इतनी डर गई हैं, इतनी सारी टिकटॉक लड़कियों ने जो टिकटॉक वीडियोस बना रही थी, इतने सारों ने हानि में आके अपोलोजाइज किया है कि आज के बाद मैं टिकटॉक नहीं बनाऊंगी, मुझे माफ कर देना, आज के बाद ये नहीं होगा। कितने सारों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। यहाँ पे लड़कियों ने गिव अप कर दिया है, दे आर नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर एट ऑल। सॉरी सर, मैं 90 की बात कर रहा हूँ कि लड़कियों ने, मुझे याद है पोस्टर निकले, इन्होंने कहा कि लड़कियां जो बिना बुरके की आएंगी, जो बिना हिजाब की आएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कुछ एसिड के इंसिडेंट भी हुए। लेकिन अल्टीमेटली वो इनिशियली कुछ ऑब्वियसली गन से सबको डर लगता है, लड़कियों की क्या मर्दों को भी डर लगता है, इसीलिए बहुत सारे लोग चुप रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो गए और कुछ टाइम पर औरतें डरी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इस डिक्टेट को माना नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चलिए हम दूर नहीं जाते, हम जायरा वसीम का ही देख लेते हैं। हम जायरा वसीम को तक नहीं बचा सके जब व्हेन शी डिसाइडेड टू लीव बॉलीवुड एंड कम बैक, क्योंकि यहाँ उसकी फैमिली अंडर थ्रेट थी। उरुसा परवेज जो 12th स्टैंडर्ड की टॉपर है यहाँ की, 99.9% लिया उसने, वो कहती थी मैं हिजाब नहीं लगाऊंगी, मैं समझ सकती, लेकिन उसके साथ याना मैं आपके इमोशन समझ रही हूँ। एक 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 महिला होने के नाते मैं उस खौफ को भी समझ रही हूँ, मैं उस इमोशन को भी समझ रही हूँ। आप उस जगह पर हैं और किसी भी, मैं आपकी जगह पर होती तो आज उतनी ही इमोशंस के साथ बात कर रही होती जितना आप कर रही हैं, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जो वैद साहब कह रहे हैं कि हमने उस वक्त अगर उस पर चोट कर ली तो आज भी कर सकते हैं, मैं जितना समझ पा रही हूँ। क्यों वैद साहब? यस, और मैं आगे ये बताना चाहता हूँ, ये टारगेट किलिंग आप सभी जानते हैं, इस पर मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात आप सबके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हाल ही में हफ्ते 10 दिन पहले एक आतंकी को पकड़ा पुलिस, जे एंड के पुलिस ने, और उससे 11 पिस्टल्स मिली, और उसका ये कहना है कि 20 पिस्टल्स पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, और कुछ अनंतनाग, श्रीनगर सिटी की बात हो और अनंतनाग में भी कुछ बांटी गई है। तो ये जो पाकिस्तान ने पिछले 7-8 महीने से यह एक छोटे हथियार का ये जो आतंक किया है, इसको जब तक आज की जो पुलिस है और सिक्योरिटी सेटअप है, वो इसको जब तक इन सब को रिकवर ना कर रहे, इनको न्यूट्रलाइज ना कर ले, ये ऐसे इंसिडेंट होंगे। जब तक इसमें क्या है कि एक ग्रुप को बॉर्डर्स पे बीएसएफ होती है ना, बॉर्डर्स पे बीएसएफ होती है, ये सारी चीज मैं हाँ वही तो है ना, मतलब आपको जड़ पर जाना होगा। वैसे आप भी रुकिए, याना आप भी रुकिए, मेरे साथ दो और कश्मीरी यहाँ पर मौजूद, इनफैक्ट 3 लोग मौजूद हैं। अहमद अयाज साहब, मैं भी कश्मीर गई हूँ और बहुत मर्तबा गई हूँ, मैंने जो कश्मीर के बारे में सुना था जब तक मैं कश्मीर नहीं गई थी, तब तक मुझे फिरन की बात याद थी, वो खूबसूरत झुमके मुझे दिखते थे पुराने में, शिकारा में वो जो हीरोइने थी वो राजस्थान के कपड़े पहनकर नहीं वहां पर शूटिंग करती थी, वो कश्मीर के कपड़े पहनकर शूटिंग करती थी। और आज की तारीख में आप वहां पर चले जाइए, छोटी छोटी बच्चियों को अपना सर ढकना पड़ता है, छोटी छोटी बच्चियों को अबाया पहनना पड़ता है। ये लोग कौन है जो मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं? ये लोग कौन है जो इन लड़कियों को, जो थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, उनको धमका रहे हैं, फ्लायर्स बांट रहे हैं, और नहीं मानेंगे तो उसे मार देंगे? ये इंसानियत के दुश्मन नहीं है तो क्या है? ये 90 से पहले की बात थी जो आप बता रहे हैं वहां यहाँ के हालात, लेकिन अभी 90 के बाद आजकल जो हो रहा है या 90 से आज तक जो होता आया, ये सिक्योरिटी सिचुएशन को दर्शाता है और मिलिटेंसी की प्रेजेंस को दिखा रहा है। जो हर वक्त हुकूमत ने दावा किया कि यहाँ के हालात बेहतर है और हमने 370 को एब्रोगेट किया, अब मिलिटेंसी नहीं रहेगी, 90 से यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, सिक्योरिटी के ऑपरेशन हो रहे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ की सिचुएशन सही नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है,
उसके नतीजे में इनोसेंट लोग, राहुल भट्ट जैसे लोग या ये जो भट्ट जैसी कल जो मरी लड़की, उस जैसे लोग। अहमद अयाज साहब एक बात कहूँ आपको, सिक्योरिटी हालात तो ठीक हो जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट, वो उसके लिए वैद साहब को मैंने बुलाया है, आमंत्रित किया हुआ है। ये जहनी तौर पर जो कीड़े लग चुके हैं दिमाग में, उनका क्या करेंगे? ये आतंकवाद, आतंकवाद जिसे आप मिलिटेंसी कहते हैं, जिसे हम लोग टेररिज्म कहते हैं, आप तो घबराते हैं उनको आतंकवादी कहने में भी, आप उन्हें अलगाववाद कहकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक्सपोज होना ही है, आज नहीं तो कल। मुझे आप ये बताइए, ये जहनी कीड़े का क्या इलाज है? इसमें तो सिक्योरिटी नहीं घुस सकती है ना, इसमें तो बंदूक नहीं लगा सकते ना, इनके लिए तो आप ही लोगों को आगे आना होगा ना। ये हमने बार बार कहा कि इसको डिफरेंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि 90 से आज तक जो भी यहाँ तजुर्बे हुए वो सही साबित नहीं हो रहे, वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो, चाहे वो दफा 370 को एब्रोगेट करने के लिहाज से हो, या बाकी और जो मामला आज तक किए वो। अरे धारा 370 कहाँ से आ गई इसमें? धारा 370 कहाँ से आ गई? एक लड़की को टिकटॉक बनाने से रोकना, धारा 370 कहाँ है मुझे ये बताइए? एक लड़की को फॉरवर्ड थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय उसको गोली मार देना, इसका धारा 370 से क्या वास्ता है मुझे ये बताइए? वही तो मैं बता रहा हूं। एक औरत को बुर्का अबाया पहनने के लिए धमकाना डराना, इसका 370 से क्या वास्ता है मुझे बताइए? मैं बता रहा हूँ ये जो आप बता रहे हो, ये वो यहाँ की अनसर्टेनिटी और यहाँ की सिक्योरिटी के हालात को बता रहे हैं कि जो लोग इस वक्त हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं किसी को बाहर। अच्छा, अनसर्टेनिटी होगी तो आप औरतों को निशाना बनाएंगे? नहीं तो मुझे ये बताइए ना, ये निशाना किसी दाढ़ी वाले को, जालीदार टोपी वाले को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये निशाना किसी अबाया पहने औरत को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वो भी तो कश्मीरी है ना, बताइए मुझे। एक फॉरवर्ड लुकिंग औरत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? डिफ्रेंशिएट कीजिए मुझे। क्यों दाढ़ी वाला मौलवी फारूक इसका शिकार नहीं हुआ? मौलवी मसूदी इसका शिकार नहीं हुआ? वो दाढ़ी वाले नहीं थे, मौलवी यहाँ के नहीं थे, वो इस मिलिटेंसी के शिकार नहीं हुए? ऐसा नहीं है, ये हर एक के लिए सिचुएशन एक जैसी है। यहाँ पे टोटल में देखना पड़ेगा। टारगेटेड किलिंग में नाम बताइए ना, एक का नाम बताइए ना मुझे। टारगेटेड किलिंग में एक नाम बता दीजिए मुझे, मैं छोड़ के चली जाऊंगी डिबेट। मैंने अभी दो बड़े उलमा का नाम ले लिया, मौलवी फारूक जो बहुत बड़ा आलिम, बड़ा दाढ़ी वाला जो आप कह रहे हैं दाढ़ी वालों की वाले को क्यों नहीं कर रहे? अभी जो लोग मारे जा रहे, कल जो लड़की मारी वो मुसलमान नहीं है, तो ये नहीं है कि ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमान की आड़ में मत छुपिएगा, मुसलमान की आड़ में मत छुपिएगा। नहीं, आप लोग उसे मुसलमान मानना छोड़ देते हैं, वो जैसे ही आगे की बात करने लगती है, जैसे ही वो अपने सर से पर्दा उठाती है, आप कहते हैं वो मुसलमान रही नहीं। याना मीर चंदानी कुछ कह रही, सुनिए अयाज साहब उनकी वकालत मत कीजिए आप। मैं यही कह रही हूँ कि हर चीज का ब्लेम सिचुएशन को दिखा रहा है, हर चीज का ब्लेम आप 370 सिचुएशन को ब्लेम करना बंद कर दीजिए आप। हर चीज का ब्लेम, सिचुएशन खराब होती है, हर चीज का ब्लेम 370 पे करेंगे, हर चीज का ब्लेम 370 पे कैसे कर सकते हैं आप? तो ठीक है, ये बताइए कि इस साल टूरिज्म इतना अच्छा हो गया, वो भी 370 के हटने की वजह से हुआ, वो भी बोल दीजिए फिर। हर चीज का देखिए अहमद साहब, जहाँ पे फॉल्ट्स हैं वहाँ फॉल्ट लाइंस हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप इस तरह से हर चीज को पॉलिटिसाइज मत कीजिए, ठीक है? 370 का कोई लेना देना जी, जो हमारी कम्युनल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको आप फेस किए, प्रॉपरली एड्रेस कीजिए कैमरा पे, इसको कंडेम कीजिए। जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं, पहले कभी कश्मीर में एसिड अटैक्स नहीं होते थे, आजकल जो हो रहे हैं, अगर किसी को 370 के खिलाफ रिबेल करना है तो औरतों को नहीं अटैक कर सकते ना, कभी एसिड अटैक्स हो रहे हैं, कभी इस तरह की शूट आउट अपने लोगों को निशाना बनाएंगे। आपको इसको खुल के कंडेम करने में क्या प्रॉब्लम है? या ना आप खुल के कंडेम क्यों नहीं करते? आपको डर है कि आप कैसे कंडेम कर ले भाई, शटर डाउन कर लेंगे क्या? याना मीर चंदानी आप भी याना मीर आप क्या आप शटर डाउन कर देंगे इनकी दुकान का? अहमद अयाज साहब आज भी आजमाया है, इससे पहले भी कई मरतबा आपको आजमाया है, आप जैसे लोग जो चुप्पी साध लेते हैं उनकी वजह से औरतों को, मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है, ये मानिए आप मेरी बात। अब रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, तीन और मेहमान मेरे यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात कर लूँ। आप इतने डरे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, इसका इलाज क्या है? याना मीर चंदानी कह रही है सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पाते हैं आप लोग, माहौल आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, मैं ये मानती हूँ ये बौखलाहट में हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो घर में घुस के मार रहे हैं।
उसका डील करने की जरूरत है, आप उसका ऐसे तमाशा नहीं बना सकते हो। जी रूबिका जी, अभिनंदन बोलेंगे ये आयाज साहब शांत हो जाए। आयाज साहब, आपको आतंकवादियों पर इतना नाराज होना चाहिए? आप जितना रूबिका जी पर चिल्ला रहे हैं, इससे बेहतर आप अगर आतंकवादियों पर नाराज होते तो निश्चित तौर पर वहां आतंकवाद से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता। आराम से आयाज साहब शांत हो जाएं। देखिए, निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था में और ज्यादा कड़ाई किए जाने की आवश्यकता है। आतंकवादियों के समूह लाश की जो गति है उसको और तेज किए जाने की आवश्यकता है, और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से आतंकवादियों ने टारगेटेड किलिंग की गति को तेज कर दिया है। लेकिन एक एक चीज रूबिका जी और लगता है जो निश्चित तौर पर कहा जाना चाहिए, जिस पर याना जी भी जो मुद्दा उठा रही हैं, सुरक्षा एजेंसियों की जो का जो दायित्व है उसके निर्वाह में निश्चित तौर पर तेजी हो, लेकिन वहाँ के कश्मीर के समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा कि वहाँ की महिलाओं के विरुद्ध जिस तरह से आतंकवादी कश्मीर की घाटी को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कश्मीर के समाज से भी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। कश्मीर का समाज अगर इसी तरह से इस तरह के आतंकी गतिविधियों को, तालिबानीकरण को, अगर वहां का पुरुष वर्ग समर्थन देता रहा, चुप्पी साधता रहा, तो इसके भी जो है नुकसान निश्चित है। ऐसे वहां के समाज को भी। प्रेम शुक्ला जी, आपसे सवाल पूछने के बाद मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कुछ बातें आपकी नहीं सुन पाई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता उससे पहले आपने 3-4-5 जो बातें कही है वो कौन सी कही है, और मुझे यकीन है कि आपकी इस बात को सलमान निजामी काउंटर करना चाहेंगे। पहले जरा उनको सुन लेते हैं। आयाज साहब रुकिए, एक सेकंड रुकिए, यहाँ तो बड़ा आप दिल खोल कर अपनी बातें रखने हैं। सलमान निजामी अच्छा रुके नहीं है, आप कहोगे कि आप रास्ते में निकलो और गन के खिलाफ हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि गन के खिलाफ कोई निकलने वाला है, ना कोई जुरत करेगा। यहाँ एक सिक्योरिटी वाला गन लेकर पूरे मोहल्ले को बंद कर सकता है, तो एक सिविल गन वाले के खिलाफ आप क्या निकलोगे? आप मुझे ये बताइए, ये जो अभी जो इंक्रीज हो गया मिलिटेंसी में, किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, क्यों हो रही है? आपका प्लान क्या है? आपका सोच क्या है? कैसे आप रोक रहे हो उसको? आयाज साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। गन के खिलाफ उतरने वालों की बात आप छोड़ दीजिए, गन लेकर निकलने वालों की मजम्मत तो कर लीजिए। अरे मजम्मत कौन नहीं करता है? जब किसी की किलिंग होती है कौन उसको अप्रिशिएट करता है? किसने मजम्मत की बताइए? अब मुझे ये बताइए, कल यासीन मलिक को, नहीं एक सेकंड मैं बता देती हूँ, अभी क्लैरिफाई हो जाएगा। कल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिली है। अयाज अहमद साहब 3 लाइनें बोलिए, यासीन मलिक पर 3 लाइनें बोलिए, आतंकी यासीन मलिक पर 3। हेलो, हाँ बोलिए ना, यासीन मलिक पर 3 लाइनें बोलिए आप। क्या 3 लाइन क्या बोला आप? पूछिए तो सही, क्या बोलना है? क्या बोलना है? हाँ बताइए, यासीन मलिक को कल उम्र कैद हुई है, आतंक फैलाने के एवज में यासीन मलिक को उम्र कैद हुई है, बोलिए। यासीन मलिक को वो कन्विक्ट है, उसको सजा हो गई और उसने इकरार जुर्म किया अदालत में, अभी वो जेल में है। वो 3 लाइनें मैंने बोल दी, और क्या बोल सकता हूँ मैं? और क्या बोलना है मुझे? नहीं और बोलिए ना, मैं जानना चाहती हूँ यासीन मलिक कैसा आदमी है, मुझे समझाइए तो, कैसा आदमी यासीन? एक लाइन तो मैंने बोली कि वो उसको सजा होगी, तीसरा लाइन, दूसरी लाइन ये बोली कि उसने जुर्म किया एक बार किया। अरे सजा हो गई तो मेरा बेटा 6 साल का वो भी बोल देगा, उम्र कैद की सजा हुई है यासीन मलिक पर, मेरा बेटा 6 साल का है वो भी बता देगा, वो ये भी बता देगा कि कौन कौन सी धाराओं में सजा हुई है। ये निबंध मत पढ़िए कि गाय के 2 सींग है, 1 पूंछ होती है, गाय हमें दूध देती है, ये निबंध नहीं चाहिए मुझे। यासीन मलिक कैसा आदमी है इस पर 3 लाइन बताइए। जो भी धाराएं उसके खिलाफ लगाई गई है वो सब उसे कबूल की है। अब उसे कबूल की क्यों डिफेंड नहीं किया आपने आपको, वो भी देखने की बात है, उसे सारा एक्सेप्ट कर दिया। अरे आप छोड़िए ना, उसके कबूल करने नहीं करने पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आप जैसे लोगों को एक्सपोज करना चाह रही हूँ।
अहमद अयाज साहब, मुझे बस ये बताइए, यासीन मलिक ये नाम आते ही आपके जहन में क्या आता है? तीन लाइनें बताइए, यासीन मलिक कैसा आदमी है मुझे बताइए। बताया मैंने आपको, आपने मैं तो जाती तौर उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तीन चीजें बताई आपको, उसके खिलाफ जो भी धाराएं लगाई है उसे सारा एक्सेप्ट किया। जाती तौर पर मैं जानती हूँ क्या, मैं जानती हूँ क्या, यासीन मलिक ने हिंदुस्तान के सीने पर जो खंजर भोका है, यासीन मलिक ने आतंकियों के साथ मिलकर जो हवाला के जरिए पैसा यहाँ पत्थरबाजों को बांटा है, यासीन मलिक ने यहाँ पर जो हड़तालें करवाकर कश्मीर को पीछे धकेला है, यासीन मलिक ने आतंकवादियों के साथ जो गलबैया की है, उसके बारे में तीन लाइन बोलिए ना, बोलिए। हो गए ना उसका, अरे उसका सेंटेंस, उसका सजा हो गए ना, अब क्या कर रहे हैं? अब तो सजा हो गया उसको, अब क्या कर रहे हैं? सजा तो दे दिया उसको कोर्ट ने, अब हम क्या बात करेंगे? सजा, सजा से मतलब नहीं है मुझे, यासीन मलिक पर पांच लाइनों से मतलब है, वो कैसा आदमी है बताइए मुझे। नहीं, मैं हिंदुस्तान का दुश्मन है, मैं जाति तौर उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी सामने आया, मैं आसान कर लेती हूँ, हाँ ठीक, जाति तौर पर नहीं जानते ना, ओके। अहमद अयाज साहब, यासीन मलिक हिंदुस्तान का दुश्मन है, खत्म बात, तो उसमें और बात। अरे अरे भाईजान, भाईजान मैं आपकी, मैं आपके लिए आसान कर रही हूँ ना, आप ये पर्चा आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है सवाल, मैं आसान कर रही हूँ, मैं ऑप्शन देती हूँ, यासीन मलिक हिंदुस्तान का दुश्मन है, हाँ के ना, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना। नहीं, अब देखो ये आपके हिसाब से क्या है क्या नहीं वो आप सोच सकती हो, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं उसने मुझे ये, मैं आपके हिसाब से नहीं, हिंदुस्तानी के हिसाब से, हिंदुस्तानी के हिसाब से, अहमद अयाज साहब, यासीन मलिक हिंदुस्तान का दुश्मन है कि नहीं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए, आसान सवाल पूछा है। मैं यासीन मलिक का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बात जरूर है उसने कभी ये हिंदुस्तान के खिलाफ कोई झंडा नहीं चाहिए, आप उसके सपोर्टर है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है, जो मुझे मालूम हिंदुस्तान के खिलाफ जो आदमी दिन रात कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा हो, कॉन्स्पायर कर रहा हो, आप उस आदमी के साथ है कि नहीं है? रुबिका, यू आर बिकमिंग माय शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड अहमद अयाज साहब, थैंक यू। आई एम नॉट बिकमिंग एनीथिंग, मैं आपको एक्सपोज कर रही हूँ अहमद अयाज साहब, मैंने आपको एक्सपोज कर लिया, 370 पर 500 लाइनें बोलेंगे, हाँ आर्टिकल 370 पर 500 लाइनें आपके पास रटी हुई है, और यासीन मलिक के खिलाफ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी चुनने में धरती फट रही है, कलेजा आपका मुंह को आ रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से कश्मीर में दिक्कतें हैं, आप जैसे लोगों की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है। सुशील पंडित साहब की बात की, लेकिन उसने हिंदुस्तान में सब हो गया, अब मुझे जो देश की जनता को बताना था अहमद अयाज साहब, मैंने बता दिया है, आप एक्सपोज्ड है। हिंदुस्तान के दुश्मन को दुश्मन कहने में जो आदमी कतराए, वो भी सबसे बड़ा दुश्मन है। सुशील पंडित साहब, ऑप्शन ए क्या ऑप्शन बी, यासीन मलिक देश का दुश्मन है, ऑप्शन ए क्या ऑप्शन बी? मुझसे पूछा आपने रूबिका जी? जी 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 सुशील साहब, मुझे नहीं लगता कि देश ने ऐसे दुश्मन बहुत ज्यादा देखे होंगे। यासीन मलिक न सिर्फ देश का दुश्मन है, वो यहाँ के देशभक्त समाज की नस्ल कुशी का जिम्मेदार है, और उस पर वो मुकदमे नहीं चले अब तक जिसमें एक नहीं दर्जनों बार फांसियों की गुंजाइश है, मुझे इस बात का रंज है। लेकिन अगर आप अपना हाथ भी अयाज साहब के गले में हलक में डाल करके कुछ निकालना चाहें उसके खिलाफ, तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने एक तारुफ नहीं कराया अयाज साहब, वो वहां के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाबस्ता हैं चक्स, आज आप उनसे ये कैसे भूल गए हम। हाँ, तो जायरा वसीम से भी पहले वहां एक प्रकाश बैंड था, आज से 10 साल पहले, नोमा भट्ट थी उसमें, अनिका थी, फराह थी, इन बच्चियों ने रॉक बैंड क्या चलाया, ग्रैंड मुफ्ती ने फतवे जारी कर दिए, इनको माफियां मांगनी पड़ी, ये 10 साल पुरानी बात है, उस ग्रैंड मुफ्ती का आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं, आपने जब इस रिवायात
को बीज से ही पनपने दिया, आज ये बड़ा दरख्त हो गया है और वहां के मर्द मुजाहिद मासूम और निहत्थी औरतों पर अपना जोर आजमा रहे हैं, अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। ये जिहाद की बहादुरी औरतों को घर में घुसकर मारने की है। ईद के दिनों में आज से 5 साल पहले एक 26 साल की नवयुवती को घर में घुसकर 4 आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। ये बूढ़ों बच्चों औरतों का भी लिहाज नहीं करते हैं। ये हैं ऐसे मर्द मुजाहिद वहां पर जो इसको मध्य युग में घसीट लेना चाहते हैं कश्मीर। उन्हें केवल हिंदू से नफरत नहीं है, मर्द मुजाहिद उनकी नजर में अच्छा मुसलमान अच्छा नाम है, मर्द मुजाहिद फर्क है, अच्छा नाम है अहमद अयाज साहब, मर्द मुजाहिद। आपने मुकाबला नहीं किया हमारे साथ, यहाँ रहकर मुकाबला ही नहीं किया, आपने आला देकर भागे, अफसर समझे वो भी है। आप क्या कर रहे हो और मुकाबला कर रहे हो? आप लोगों ने जब मुखबरी की हमारी, आप लोगों ने हमारे घरों की निशानदेही की हद है। अहमद अयाज साहब माफी चाहती हूँ, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं लेकिन बेशर्मी की हद है। सुशील पंडित जी बस एक सेकंड दे दीजिए मुझे। अहमद अयाज साहब बेशर्मी की हद है, अभी कह रहे हैं कि बंदूकों के सामने कौन सा कश्मीरी निकल पाएगा। अभी आपने प्रेम शुक्ला को कहा कि नहीं कहा? अहमद अयाज साहब सुनिए मेरी बात, अभी आप दोहरे रवैये की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। अभी आपने प्रेम शुक्ला को ये कहा कि कौन निकलेगा बंदूक लिया आतंकवादियों के खिलाफ, और आप कश्मीरी पंडित को ये कह रहे हैं कि तुम जमीन छोड़कर भाग गए। क्यों? वहां पर उनको सेब दिए जा रहे थे अहमद अयाज साहब, आप इनको भर के चावल दे रहे थे। कितने लोग आए हैं इनके सपोर्ट में? रूबिका यहाँ रुक के मुकाबला क्यों नहीं किया? दिल्ली में बैठे हमको बोलते आप आतंकवादी के खिलाफ, यही क्यों भागी है फिर बंदूक के डर से? क्यों नहीं आ रहे हो मुकाबला किया? अस्तग़फ़िरुल्लाह, शर्म कीजिए। आपकी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है ना आप, इसीलिए कह रही हूँ अस्तग़फ़ार कीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कह रहे हैं एक बंदूक के आगे कश्मीरी कैसे निकलेंगे, और यहाँ पर सारे के सारे आतंकवादी इन कश्मीरी पंडितों के घरों के बाहर बंदूकें लेकर खड़े हो गए थे, और आप ये कह रहे हैं कि वो अपने घरों से अपने घर को छोड़कर क्यों भाग गए? तो क्या करते, मर जाते क्या करते? एथनिक क्लेंजिंग का शिकार हो जाते? मुसलमानों के लिए नहीं था पहले? सबसे पहले मुसलमान नहीं मारे गए? सबसे पहला मुस्लिम जो है मोहम्मद भलवाई वो नहीं मारा गया? सबसे पहला जो हमला हुआ वो मोहम्मद वटाली के कारण हमला नहीं हुआ? तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मार नहीं सकते थे, उनके पास भागने का बदला। आप कह रहे हैं जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो सही हुआ, आप ये कह रहे हैं? मेरा सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सही था, बदला लिया गया? सुशील पंडित जी, सुशील पंडित हमारे पास कभी यही नहीं, सही कह रहे हैं मुसलमान बाहर निकल गए। एक बात आपकी सही है, उसका कभी ये मैं आगे नहीं सुनना चाहूंगा कि ये हमको ये कहे कि सदस्य को और बुद्धि के खिलाफ और खुद बैठेगा दिल्ली में, उसकी जानकारी लोगों को मिलती है। पहले तो मैं कश्मीरी सुनना नहीं चाहेंगे, आप सिर्फ आतंकवादियों की सुनिए, आप अलगाववादियों की सुनिए, आप दक्यानुसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वालों की सुनिए, आप उनमें से एक है। अब ये भी सुनिए आपका, देखिए आपका क्या था? ये चोरों को कहते हैं चोरी करो, चलाओगे इनका जो इनकी जो भूमिका है। अभी आपकी बात नहीं, सुशील पंडित आपसे बात करेंगे। सुनिए आप, सुनिए सुनिए, मैं कश्मीर में बैठी हूँ, लड़की नहीं हूँ जिसे आप डरा देंगे, समझे आप? आप डल गेट में आई एक आदमी के ऊपर एक झंडे के नीचे बैठी, और क्या हुआ? आपने देखा नहीं उस वक्त फिर भी थोड़ा बेहतर हालात थे, और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वो निजाम चलाते हैं कश्मीर, वो बेहतर हालात थे, अब दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। रुकिए 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 रुकिए, सुशील पंडित बताएंगे कितने बेहतर हालात हो रहे हैं। आप डाटा देखो, ऑप्शन डाटा निकालो। रुक जाइए अहमद अयाज साहब, मैं कह रही हूँ आपको, रुक जाइए, मैं कह रही हूँ रुक जाइए रुक जाइए। अहमद अयाज साहब उस निजाम मुस्तफा वाली जमात से हैं जो दिन में लोगों को कहते हैं, चोरों को कहते हैं यहाँ चोरी करो वहां चोरी करो, और रात को फिर जोर से खिड़की से आवाज देते हैं जागते रहो। ये साहब दोनों सिरों से मोमबत्ती जलाते हैं, ये कभी अपने समाज में अपने समुदाय में
तंकीद नहीं करते कि देखिए आप आज हमको चौदहवीं छठी सदी में, सातवीं सदी में, आठवीं सदी में मत घसीट के ले जाइए, 1400 साल पहले, ये जमाना नया है, तरक्की पसंद होइए, तालीम लीजिए, थोड़ा ज्ञान लीजिए, नहीं, ये घसीट करके पूरे के पूरे कश्मीर को अफगानिस्तान बना देना चाहते हैं, सीरिया बना देना चाहते हैं, इनकी तजवीजें वही होती हैं। अगर ये मुंह से बोले होते कि प्रकाश बैंड की उन बच्चियों को काम कर लेने दीजिए, गा लेने दीजिए, संगीत बजा लेने दीजिए आज से 10 साल पहले, आज ये हालात नहीं होते। अगर जायरा वसीम के हिमायत में उठ खड़े होते कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है बेड़ियां डालने के लिए नहीं बना है बच्चों के पांव में, एक और चीज है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अहमद आया साहब मेरा सवाल सुनिए मेरा सवाल सुनिए अहमद आया साहब, बताइए मौसीकी आपको कैसी लगती है? सॉरी भाई दोबारा बताइए, मौसीकी गाना गाना जी, पूरा करिए सवाल करिए ना पूरा, क्या आपका, मैं समझ नहीं रहा हूँ आपका सवाल। अरे सवाल क्या मैं तो सवाल कर चुकी हूँ ना, आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? या ना एक सेकंड, मैं आयास साहब से बात कर रही हूँ, एक सेकंड बस। आप देखिए मैं आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने? 70 के पास हूँ मैं, अभी याद भी नहीं है कि आपने कभी पिक्चर भी देखी हो, अभी मैं इस एज में, अब उस बचपन में ही नहीं जाना चाहता हूँ, ना हमारे को हालात ने ऐसा रखा कि हम उस आजादी से देख लेते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तो हम सारा भूल गए हैं, अब हम यही देख रहे हैं। अच्छा ठीक है आप पंडितों के बारे में बोलते हैं, खुद इतना डरते हैं, मूवी का नाम भी नहीं लेना चाहते, यासीन वली को दुश्मन भी नहीं बोलना चाहते, और फिर पंडितों को पूछते हैं कि वो क्यों भाग गए यहाँ से, ये देखिए। सही बात है, नहीं सही बात है, आप क्यों मुझे बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, कोई नहीं डर के घर के, अभी ये सब बैठे हैं, आप इतना डरते क्यों हैं? आप इतना डरते क्यों हैं? आपको पता है कल अरे मेरी बात सुनिए, जब अमरीन की माँ की वीडियो सामने आई ना, जब अमरीन की माँ की वीडियो सामने आई, मेरी माँ ने मुझे बोला आई डोंट वांट टू बी दिस मदर, मगर मैं नहीं डरी। आप क्यों डरते हो? अरे खुल के बोलो ना, जो गलत है वो गलत है, यहाँ 6 महीने खुल के बोलो ना, जो गलत है वो गलत है, 370 एग्रीगेट करने के वक्त बाहर ही नहीं निकले, ये कोई इस्लामिक चीज है, ये कोई इस्लामिक चीज है कि लड़की के घर में घुस के उसको गोली से भून दिया उसकी फैमिली के सामने, ये कोई इस्लामिक चीज है? ये कोई इस्लामिक चीज है क्या? ये कोई इस्लामिक चीज है? अरे ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप इनका साथ दे रहे हैं, आप इनको कंडेम नहीं करेंगे, आप उल्टा पंडितों को बोलेंगे जिन्होंने कश्मीर को बदनाम किया, उनको कुछ नहीं पूछेंगे आप, उनको नहीं सवाल करेंगे जो कश्मीरों को बदनाम कर रहे हैं, और आप उल्टा आके और बदनाम करोगे, आप उल्टा इतने डरपोक खुद को दिखाओगे, स्पेक्टेटर की तरह खुद बैठोगे, यासीन मलिक के बारे में 3 लाइन नहीं बोल सके आप, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं गन के खिलाफ बोलूं ना गन के खिलाफ जाऊं, क्योंकि मुझे अपना जान प्यारा है, लिहाजा आपको है तो आप जाइए, आप कहिए ना लाल चौक में धरना लगाइए जिसके खिलाफ लगा रहा है, लेकिन मेरी तो बोलती हूं। आप मुझे तो जान खतरे में है। अहमद अयाज साहब आपकी उम्र दराज हो, आपको फिक्र है, आपको डर लगता है कि आपको मार दिया जाएगा, ये डर वाजिब है, लेकिन आप उस बच्ची से सीख लीजिए जो आपकी उम्र की आधी होगी मेरे ख्याल से, या ना देखिए वो तो नहीं डर रही है, वो तो बात करने से नहीं डरती है, वो तो अपनी बात पुरजोर तरीके से बोलती है, और आपको क्या करना है, आप तो इस्लाम को बहुत अच्छे से मानते हैं ना अहमद आया साहब, सुनिए अभी आप तो इस्लाम को मानते हैं ना, आप कहते हैं ना कि मैं पक्का मुसलमान, मैं सच्चा मुसलमान, तो फिर दुनिया की क्या फिक्र करना, आप यहाँ पर अच्छा काम कीजिए ना तो वहां पर आपको नेकी मिलेगी, यहाँ अच्छा काम क्या होगा, लड़कियों के हक के लिए लड़ना, हक पर खड़े रहना, बच्चियों के साथ साथ उन नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने से रोकना, इतना क्या मतलब ही हो रहे हैं आप, अपनी जान की हिफाजत करना पहला प्रयास प्रायोरिटी है मेरी, वो मैं कर रहा हूँ,
अब आप मुझे कहोगे कि आप बुद्धू के सामने जाके गोली हाँ, बाकी सब जाए जहन्नुम में, बाकी बच्चियां मरती हो तो मरे, बाकी बच्चे मरते हो तो मरे, है ना सर? देखिए ये तो मैं रहूं चंगा, मैं कह रहा हूँ अगर अभी वेद साहब को सुनने दो, आप तो मिलिटेंट के खिलाफ बोलने की मुझे बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस वाला भी गाल लेकर यहाँ बाहर गेट के खड़ा हो जाएगा, साहब आप बाहर मत निकले, बोलिए वेद साहब से, क्या कोई निकल सकता है उसमें? क्या है उसमें? सिर्फ गन हाथ में, बाकी और कुछ नहीं उसमें, वो डर के डर से वो अंदर बिठाता है लोगों को, पुलिस वाला भी जो कानून के बात आपने सही की अहमद अया साहब जित नहीं, अब मैं बताती हूँ आपको, अब मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको एक बात बताती हूँ और सुनिए आप ये कह सकते हैं रूबिका लियाकत तुम्हें क्या पता, तुम तो कश्मीर में रहती नहीं हो, सुनो ना, हाँ ठीक है आप सुनिए ना अहमद अया साहब सुनिए, मैं आपके डर को समझ पा रही हूँ, बस सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए आप ये कह सकते हैं कि रूबिका लियाकत तुम्हें क्या पता भाई, तुम कितना कश्मीर में रहती हो तो दो दिन रहती हो और आ जाती हो, रहना तो हमको है, हमारे बीवी बच्चे हमारा परिवार वहां कश्मीर में है, ठीक है मैं समझती हूँ, आपसे इतना तो मैं दरख्वास्त कर सकती हूँ कि आप उन आतंकवादियों से खौफ ना खाएं और वो जो चाहते हैं वो ना करें, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना आप। आप 370 के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे वो खुश हो जाएंगे। मुझे तो आप यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे वो खुश हो जाए, उनको खुश करना छोड़िए ना, बाकी कुछ मत कीजिए, बस खुदा के वास्ते उनको खुश करना छोड़ दीजिए। मुझे किसी ने डिक्टेट नहीं किया कि आप वैद्य साहब, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा नहीं ये और ये बिल्कुल ऑफ ट्रैक नहीं था मामला, इस बात को समझना जरूरी था अहमद अया साहब, प्लीज सीखना है तो याना से सीखिए, मैं बस इतना कह सकती हूँ, इतना डर पाल के कुछ नहीं होगा, ठीक है वैद्य साहब। दो चेहरे हैं, एक तो याना जो मुट्ठी भर लोग हैं कश्मीर में, और दूसरा अयाज साहब जिनकी मात्रा भतेरी है, जान प्यारी है रोबिता। अफगानिस्तान में आपने देखा किस तरह लड़कियां बाहर निकली तालिबान के खिलाफ, और याना एक बहुत वोकल वॉइस है कश्मीर की, और जिस बहादुरी से ये बच्ची बोलती है, मैं समझता हूँ ये मिसाल है पूरे कश्मीर के लिए। और मैं आपको आज शेयर करता हूँ, मेरे एक बैचमेट ने इसका याना का, मैं नहीं जानता था उस वक्त याना को, इसका एक इंटरव्यू मुझे भेजा, और मुझे उस बैचमेट ने, वो किसी स्टेट का DGP रिटायर्ड है, उसने कहा इस बच्ची को आतंकी टारगेट ना करें, इसका ध्यान रखना। मैं आज आपको बात चली तो मैं बता रहा हूँ कि याना एक वैसी बच्ची है जिसको मैं समझता हूँ बाकी सबको फॉलो करना चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कश्मीर तालिबान नाइज हो जाए, अफगानिस्तान सीरिया पर। वैद साहब ये बहुत खूबसूरत नोट है, और मैं याना जैसी तमाम बच्चियों को आपके जरिए ABP न्यूज के जरिए सलाम करना चाहती हूँ कि डंडा नहीं है, रुकना नहीं है। वैद्य साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, सुशील पंडित साहब आपका शुक्रिया, अहमद अया साहब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, लेकिन डर के जीने का कोई फायदा नहीं है, सच्ची बात बता रही हूँ आपको। जय हिंद, लौटेंगे। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है, thank you.
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।